कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दुआरू। स्रोत है, मॉडल ही बना रहा हूँ पर मॉडल समझने में मदद करेगा। स्रोत है, जब डिस्टरबेंस थोड़ा बढ़ता है, या ऐसे कह लो कि जब मैनिफेस्टेशन थोड़ा होता है, तो उसको मन और विचार कहते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं। जब वही और बढ़ जाता है तो उसको बॉडी या मटेरियल कहते हैं, जो और स्थूल होता है। पर वो एक ही कॉन्टिन्यूम के अलग अलग बिंदु हैं। सी, दैट इज वन डायमेंशन, राइट? द सोर्स, वो एक अलग डायमेंशन है। लेकिन बॉडी और माइंड दो अलग अलग डायमेंशंस नहीं हैं। बॉडी और माइंड एक ही डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन में डिग्री का अंतर है। नहीं समझ रहे हैं? जैसे एक ही एक्सिस पे कोई पॉइंट हो 10 और उसके आगे एक पॉइंट हो 5000। अब एक 10 है, एक 5000 है, दूरी बहुत है, लेकिन वो है एक ही एक्सिस पर। स्रोत तो तल ही अलग है, वो तलों के पार है। बॉडी माइंड किसी को समझाने के लिए कह दिया है तो ठीक है, वरना हमें ये पता रहे कि मन और शरीर दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसीलिए कई बार हमने क्या ही चर्चा नहीं करी है कि सिर्फ मन है, सिर्फ मन है। कभी ये तो नहीं कहा है हमने कि सिर्फ शरीर है, कभी कहा क्या? सिर्फ मन है। वही मन जब सूक्ष्म हो रहता है तो विचार रूप में होता है, जब स्थूल हो जाता है, बिल्कुल ही जड़, एकदम ही ना समझ, तो पदार्थ रूप में सामने आता है। और सूक्ष्म होता है तो मूल वृत्ति तक पहुंचता है। कौन सी मूल वृत्ति? अब ये बात पता होनी चाहिए, अहम। तो मूल वृत्ति तक। और जब इतना सूक्ष्म हो जाता है कि मिटने ही लगता है, तो आयाम बदल जाते हैं, तो अपने स्रोत तक पहुंच जाता है। बहुत बात सीधी सी है, समझ रहे हो? अब बताओ इसका क्या अर्थ है कि अपने कर्मों से ये देह मिल जाती है, अपने कर्मों से देह मिल जाती है। जितना ज्यादा दूर हूँ मैं, उतने ज्यादा कर्म है। जितना अपने मतलब अहंकार, ठीक, अपना कर्म मतलब अहंकार, तो जितना अहंकार, कर्म मतलब एक्शन, जितना अहंकार डोमिनेंट है, अहंकार एक्शन में आ रहा है, उतना ही आप स्थूल की तरफ गिरते चले जाते हो। ठीक है, देह मिल जाती है मतलब स्थूल से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अपने कर्मों पे ध्यान मत दो, कर्म तो प्रकृतिगत है, बात कर्म की नहीं है, बात अपने के भाव की है। जो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है वो अपना है। किसका कर्म? अपना कर्म। अपने कर्म पे ध्यान दो कि अपना कर्ता भाव जहां रखा तहां तुम स्थूल की तरफ जा रहे हो। जहां अपने का भाव है वहीं स्थूलता है। फिर जैसा शुभांकर कह रहा था, बात जब शरीर की हो रही है तो शरीर को कभी अकेले मत बोलना, शरीर के साथ संसार भी आ जाएगा, तुरंत आएगा। जो अपने हाथ को, पांव को, टांग को मानता है, वो दुनिया को भी मानेगा, पत्थर को, पहाड़ को, कि हाँ ये भी वास्तविक ही हैं। जो ये कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं देह हूँ, उसे ये भी मानना ही पड़ेगा कि दुनिया क्या है, दुनिया नदी, पत्थर, पहाड़, नाले हैं, यही सत्य है। जो अपने आप को देह मानता है उसके लिए संसार क्या है, यही सब जो दिखाई दे रहा है और यही सत्य है, इसी को मटेरियलिज्म भी कहते हैं। मटेरियलिज्म और क्या है, यही है कि बंदा बहुत स्थूल है, सटल उसको दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म की पहचान नहीं है। जिसको हम मटेरियलिस्ट कहते हैं वो एक ऐसा आदमी है जिसकी आंखें किसी भी बारीक महीन
डेलिकेट चीज को पकड़ नहीं सकती। उसको कुछ भी सिर्फ तब दिखाई देता है जब उसका रूप रंग आकार हो। बात समझ रहे हो? ग्रॉस चीज चाहिए, उसका आकार होना चाहिए, वजन होना चाहिए, पकड़ में आनी चाहिए, हाथ में रखो तो पता चलना चाहिए कि इतना इतने ग्राम की है, तब वो कहेगा कि इसका कोई वजन है। मटेरियलिस्ट का मतलब वो आदमी जो अपने आप को सिर्फ देह मानता हो, वो सिर्फ पदार्थों से संबंध रखता है। तो जो सिर्फ पदार्थ से संबंध रखेगा उसकी जिंदगी से कुछ चीजें गायब हो जाएंगी। क्या? जो पदार्थ नहीं है। जीवन में ऐसा क्या है जो महत्वपूर्ण है पर पदार्थ नहीं है? जीवन में ऐसा क्या है जो महत्वपूर्ण है पर पदार्थ नहीं है? ठीक है, आनंद पदार्थ नहीं, प्रेम पदार्थ नहीं, मुक्ति पदार्थ नहीं, समझ भी पदार्थ नहीं। तो मटेरियलिस्ट की सजा यही है कि उसके जीवन में वो सब नहीं रहेगा जो पदार्थगत नहीं है। जो अपने आप को देह मानता है और पूरे तरीके से देह से ही आसक्त है, उसको जीवन में वो सब नहीं मिलेगा जो सूक्ष्म है। प्रेम से खाली रहेगा, आनंद के लिए तड़पेगा। आगे कह रहे हैं कि अपने भाव से तो मिलता है कपड़ा, हाँ, देहाभिमान, और उसकी कृपा से मिलता है मोक्ष। माने अपने कर्म से, मतलब अहंकार से जब अपने आप को पदार्थ जानेंगे और शरीर मानेंगे तो संसार में भी आप संसार को भी जानोगे। इसी शरीर में अगर मान्यता है तो संसार में भी मान्यता है, तो और ये रिफ्लेक्ट भी फिर उतना ही संसार से होके आपके पास आएगा, उतना ही एक्यूमुलेट होगा। तो फिर देह को, अगर खुद को देह जाना तो देहाभिमान तो होगा ही होगा। ठीक है, इससे इसी से लिंक करके मैं चाहता हूँ कि मोक्ष क्या है इस बात पर भी पहुँच जाओ। जब हम मटेरियलिस्टिक की तरफ इतने रुझानू हो रहे हैं, तो वो तो एक बंधन है, और वो पदार्थगत जो चीजें हैं उसमें ऐसे भी वही चीजें उपलब्ध है जो पदार्थगत है। तो मोक्ष तो यहाँ पे वो हुआ जो इन सब चीजों से मुक्ति दे रहा है, जो पदार्थगत के ऑपोजिट जाए। हमने क्या देखा था? पहला बंधन कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है ना, कर्म से नहीं। कहाँ से बंधन, कहाँ से शुरू हुआ था? मेरा कर्म है, मेरा कर्म है, तो बात सीधी है। फिर मोक्ष क्या हुआ? ठीक है, संसार का मिटना मोक्ष नहीं है। अगर हम जीवन मुक्त की बात कर रहे हैं, आपकी मोक्ष की अवधारणा कुछ ऐसी हो कि मरवर के मोक्ष मिलता है तो बात अलग है। पर भारत ने तो जीवन मुक्त की बात करी है, विदेह मुक्त की बात करी है, यहाँ मरने का तो कोई स्थान नहीं है। ये तो कभी कहा ही नहीं गया कि मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। शरीर है, मोक्ष है। अब संसार रहेगा, शरीर है, हम कह रहे हैं शरीर है, मोक्ष है, तो संसार तो रहेगा। संसार रहेगा, मेरा का भाव नहीं रहेगा। संसार रहेगा तो उसमें कर्म भी हो रहे होंगे, लगातार हो रहे होंगे। संसार कोई स्थाई, रुकी हुई, स्टैटिक चीज नहीं है। संसार का अर्थ ही है बहाव, संसार का अर्थ ही है बहाव। तो संसार तो रहेगा, उन बहावों का नाम कर्म है
बदलाव है संसार में, कुछ भी है ऐसा क्या जो रुका हुआ है? कुछ भी, संसार का तो अर्थ ही है कि लगातार उसमें कर्म हो रहे हैं, संसार है, कर्म लगातार हो रहे होंगे। मोक्ष का मतलब हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे तादात्म्य में नहीं बैठाऊंगा, बस यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, घटना घट रही है, उसमें मैं की अनुपस्थिति रहेगी। हाँ, घटना घट रही है, ठीक, इस मैं की अनुपस्थिति का मतलब फिर समझिएगा, अपने आप को जड़ करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को मिटा दो। समझने में आसानी ज्यादा तब होगी जब ये कहें आप कि इसका अर्थ है कि अपने आप को पूर्ण जान लो, कि जो हो रहा है टोटल है, पूर्ण है, पूरा तंत्र है, व्यवस्था है, उसके पीछे एक महाकारण, प्रथम कारण है, मैं उसके समक्ष क्यों अपने आप को फिजूल खड़ा करता हूं। जब भी कभी अपने आप को खड़ा करोगे तब विभाजन होगा। विभाजन का नाम ही देह है। देह क्या है? एक विभाजन है, एक सीमा रेखा है। कैसे है सीमा रेखा? कि देह के इस पार जो है वो मैं हूं और देह के उस पार जो है वो है संसार। यही फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। मोक्ष का अर्थ होता है इस पार उस पार दोनों पार बस एक ओंकार। ये होता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि संसार मिट गया कि देह मिट गई। मोक्ष का अर्थ है कि उनके बीच की सीमा रेखा मिट गई। न संसार मिटा है न देह मिटी है, उनके बीच में जो मैंने कर्तृत्व मैं की दीवाल खड़ी करी थी, जो काल्पनिक सीमा खींची थी, वो मिट गई है। तो संसार में तमाम कर्म हो रहे हैं ना। अभी हमने कहा कि संसार एक बहाव है, एक नदी है, ठीक। आप उससे तो तादात्म्य बैठाने नहीं जाते। नदी बह रही है, शायद ही कोई होगा जो कहता हो कि मैं नदी बहा रहा हूं। कोई कहता है क्या? कोई कहता है? हवा चल रही है, घास उग रही है, दुनिया में असंख्य कर्म हो रहे हैं, ठीक इसी समय हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तुम तो नहीं कहने जाते कि। लेकिन सीमा के इस पार जो कुछ होता है उसका श्रेय तुम लेते हो। मोक्ष का अर्थ है इस पार और उस पार एक सा देखो। इस पार भी जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने की कोशिश मत करो। शरीर चल रहा है, हाँ चल रहा है, जैसे नदी उधर बह रही है वैसे शरीर इधर चल रहा है। जैसे नदी को देखते हो वैसे शरीर को देखो, ठीक। जैसे सड़क पे चलते तमाम लोग हैं, जैसे मिट्टी है, जैसे हवा बहती है, जैसे आग जलती है, वैसे ही इधर भी होता है। ये शरीर है, इसमें भी आग जलती है, अग्नि यहां भी है, प्राण यहां भी है, पवन यहां भी है, बस यही है। इधर भी जो हो रहा है उसको होने दो, उसके साथ जुड़ो मत। जुड़ने का अर्थ क्या है? जुड़ने का अर्थ है, और आप कैसे जाने कि मैं जुड़ गया हूं? जान लीजिएगा कि आप जुड़ गए हैं जब कुछ भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने लग जाए, वही स्पष्ट इशारा है कि गड़बड़ हो रही है। जब भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण लगने लगे तो समझ लीजिएगा कि गड़बड़ हो रही है। जुड़ने का संकेत ही यही है कि किसी बात के प्रति बड़े गंभीर हो गए हो। बहती नदी के प्रति आप कभी गंभीर नहीं होते ना, ठीक उसी तरह मन में उठते विचारों के प्रति भी गंभीर मत होइए। विचार हैं, चल रहे हैं, ठीक है, चलने दो, उनका काम है चलना। पक्षियों का काम है उड़ना, आग का काम है ऊपर की तरफ उठना, पानी का काम है नीचे की तरफ गिरना, विचारों का भी क्या काम है?
अपना घूमना, घूमते रहना, घूमने दो, मैं बहुत उनको गंभीरता से नहीं ले सकता। ये थोड़ा जिंदगी में अगर हम प्रयोग करें कि मेरे किए बिना भी जो इतने काम हो सकते हैं उनसे अपने हाथ आप खींचना शुरू करें, यकीन मानिए हमने बहुत सारे ऐसे कामों में हाथ डाल रखा है जो बड़ी आसानी से हमारे बिना हो जाएंगे। मोक्ष का अर्थ है, समझिएगा बात को, मोक्ष का अर्थ है हर उस काम से धीरे धीरे अपने हाथ खींचने लगना जो तुम्हारे बिना भी हो जाएगा। जो आपके बिना हो सकता है वहां आपके इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। मोक्ष का अर्थ है हट जाओ वहां से। शुरुआत थोड़े से करिए, एक दिन आप पाएंगे कि स्थिति ये आ गई है कि आपकी जरूरत तो कहीं भी नहीं है, सब कुछ आपके बिना किए हो रहा है। पर वो बात की बात है, शुरुआत उन कामों से करिए जो दिख ही रहा है, स्पष्टतया आपके बिना करे हो जाने हैं, वहां से थोड़ा हटिए, फिर देखिए आपको और हटने के लिए बल मिलेगा। जब आपको एक बार ये दिखाई देगा कि अरे मैं तो फिजूल ही अपनी ऊर्जा लगाता था, अपना मन गंदा करता था, इस काम में तो मेरी उपस्थिति की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप हो जाता, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे और भी काम हैं जिनसे आप हट सकते हैं। इस हट जाने का ही नाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है कि जो करता है, जहां से सारे कर्मों का उद्गम है, उसको करने दो, तुम शांत होकर के बैठ जाओ। इसीलिए जब कर्ता भाव पे बात होती है तो मैं आपसे नहीं कहता हूं कि कर्ता भाव गलत है। कर्ता भाव गलत नहीं है, कर्ता भाव झूठ है, क्योंकि आप वास्तव में कभी कुछ कर वैसे भी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ थक रहे हैं ये सोच सोच के कि मैं कर रहा हूं। अगर आप कभी कुछ कर रहे होते तब तो एक बात थी, तब आपसे कहा जा सकता था कि करना छोड़ो, करते आप कुछ नहीं है, कर्ता वही है जिसे करना है, करता वही है जिसे करना है। आप सिर्फ करने का सोच सोच के थके रहते हो, गिरे रहते हो, उद्विग्न रहते हो। फिर इसी पे आगे सवाल आया है इसी से संबंधित कि सर एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्म का फल तुरंत मिलता है, दूसरी ओर आपने ये भी कहा पिछली बार कि संचित कर्मों से ही शरीर पैदा होता है, अतृप्त वासनाएं ही जन्म लेती हैं। तो यदि कर्म का फल तत्काल मिल जाता है तो फिर दोबारा आगे क्यों मिलता है? सवाल समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये मत सोचना कि कर्म का फल कभी आगे मिलेगा, कर्म का फल तुरंत मिलता है, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जो अतृप्त वासनाएं हैं वही जन्म लेती हैं। तो ये बात ऐसी कैसे है? ये ऐसी ही रहेगी। और याद रखना, कर्मों का फल नहीं मिलता, कर्ता मात्र का फल मिलता है, और वो फल तब तक मिलता ही रहेगा जब तक कर्ता जिंदा है। किसी भी कर्म का कभी कोई मीठा फल नहीं होता। जब तक कर्म तुमने किया है, किसी भी कर्म का कोई मीठा फल नहीं होता। फल का तो अर्थ ही है कि समय मौजूद है। फल का तो अर्थ ही है कि जो किया है वो आगे जाकर के अपना रंग दिखाने वाला है।
जो कुछ भी आगे जाकर के अपना रंग दिखाने वाला है वो याद रखना हमेशा कड़वा ही होगा। ये भाव अगर मन में रखा हुआ है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल मन से निकाल दो। अच्छे कर्म और बुरे कर्म नहीं होते, सिर्फ कर्ता भाव और अकर्ता भाव होता है। कर्ता भाव रख करके तुम जो भी करोगे वही दुख देगा, अकर्ता भाव से जो हो रहा है होने दोगे वही आनंद है, वही मोक्ष है। लेकिन हमें बचपन से ही बड़ी घुट्टी पिलाई गई है अच्छे कर्म और बुरे कर्म की। बात बिल्कुल गलत है, बहुत सतही है, एकदम आचरण के तल की है। इस बात को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो और खास तौर पे अपने छात्रों को कभी मत दे देना कि अच्छा काम ये होता है और बुरा काम ये होता है। ना कोई अच्छा काम होता है ना कोई बुरा काम होता है। कर्म के तल पे भेद करे ही नहीं जा सकते, क्योंकि समस्त कर्म एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है, उनको तुम बांट करके नहीं देख सकते। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये प्रश्न ही तभी पैदा होता है जब बांटा जाए। शेर हिरण का शिकार कर रहा है, ये अपने आप में एक समूची प्रक्रिया है। इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन ज्यों ही तुम अस्तित्व को दो हिस्सों में बांटोगे, एक तरफ शेर रखोगे एक तरफ हिरण रखोगे, अब एक के लिए अच्छा और एक के लिए बुरा हो गया। शेर हिरण का शिकार कर रहा है, ये नदी का बहाव है, इसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है, ये तो खेल है, लीला है जो चल रही है, ये एक पूर्ण कहानी है। लेकिन ज्यों ही बटा अस्तित्व, जो ही हिरण खड़ा हुआ, हिरण का अहम भाव, हिरण का देह भाव, और इधर सिंह खड़ा हुआ और उसका देहाभिमान, त्यों ही अब अच्छा और बुरा हो गया। एक के लिए अच्छा हो गया बहुत और एक के लिए बुरा हो गया बहुत। कोई अच्छा कर्म नहीं है, कोई बुरा कर्म नहीं है। अच्छे कर्म करने की कभी कोशिश मत करना, न पाप है न पुण्य है, बिल्कुल नहीं है। अष्टावक्र हो कि ऋभु हो, लगातार उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि द्वैतों में द्वैत होता है, ये कि पुण्य कमाएंगे कि पाप से मुक्ति पाएंगे। बचो इससे, कर्म पे ध्यान नहीं दो, देखो कि कहीं कर्ता तो नहीं खड़ा है, कर्ता पर ध्यान दो, कर्ता पर ध्यान दो। आ रही बात समझ? अब बात इस पे कि फल हमेशा कर्ता को मिलता है, और फल का मिलना हमने कहा सदैव पीड़ाजनक ही होता है, कोई मीठा फल नहीं होता, फल मिलेगा ही मिलेगा और हर फल कड़वा होता है। कैसा भी कर्म कर रहे हो, यदि उसका फल है भविष्य में, तो समझ लो कि कड़वा ही है। अच्छा कर्म वही है जो निष्फल हो। अच्छा कर्म कौन सा? जिसका कोई फल नहीं, उसी को निष्काम कर्म भी कहा गया है। निष्काम कर्म मतलब जिसमें फल की इच्छा ही नहीं है। अच्छा फल वही, अच्छा कर्म वही है जिसका कोई फल ना हो। इस बात को समझो, फल ना हो से क्या आशय है? फल ना हो से ये आशय है कि वो पूरा निपट गया, वो पूरा ही निपट गया, फल के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, कुछ पेंडिंग नहीं रह गया है, विलंबित नहीं है कि अभी तो आगे होना है, हो गया, पूरा हो गया, बात थी खत्म हो गई। सिर्फ यही सुंदर कर्म है, क्योंकि इसमें अब तुमने कर्ता को मार डाला। कर्ता जिंदा रहता है अवशेषों की खुराक पर, कर्ता जिंदा रहता है ये कह कह के कि मुझे अभी कुछ करना है, काम बाकी है। जब काम बाकी नहीं है तो कर्ता बाकी कैसे रह जाएगा? कर्ता कौन? जिसे कुछ करना हो,
उसे कुछ करने के लिए चाहिए, तुम उसे कुछ करने के लिए ना दो, वो मर जाएगा। करता बाकी रहता है बचे हुए काम, बची हुई जिम्मेदारियों की खुराक पर। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि ये जो जिम्मेदारी का भाव है ये सघन अहंकार है, क्योंकि ये तुम्हारे कर्ता को बखूबी जिंदा रखता है। मुझे करना है, यों जियो कि प्रतिक्षण पूरा रहे, लगातार पूरा, आगे के लिए कुछ बचा के न रखो, भविष्य को पैदा ही मत होने दो। तो अगर करता है तो वो अभी कष्ट में रहेगा और आगे भी कष्ट में रहेगा और लगातार कष्ट में रहेगा। वो तब तक कष्ट में रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। अमित, बात स्पष्ट हो रही है? आप ही का है। तो ये मत कहिएगा कि एक गलती करी, एक बार उसका फल मिल गया ना, एक बार सजा दे दी, अब दोबारा क्यों दे रहे हो। आपका जो सवाल है कुछ इसी तरह का है। आप कह रहे हैं कि कोई अगर कर्म करता है तो सर आपने कहा कि उसकी अभी सजा मिलती है, फिर आपने कहा कि उसकी आगे भी सजा मिलती है, तो ये एक कर्म की दोहरी सजा क्यों मिल रही है। मैं कह रहा हूं दोहरी नहीं मिल रही है, निरंतर मिल रही है, असंख्य बार मिल रही है, तब तक मिलती ही रहेगी जब तक कर्ता जिंदा है। जब तक कर्ता है तब तक जीवन एक निरंतर सजा रहेगा, प्रतिक्षण सजा मिलती रहेगी। सजा से बचने का एक ही तरीका है, कर्ता न रहे। जो जिसका है उसे करने दीजिए, पूर्ण का काम है उसको समर्पित कर दीजिए। किन वर्च्यूज की बात हो रही है? कौन सी वर्च्यूज हैं ये? मैंने आप लोगों को अभी एक फोटो भेजी थी अपने बोर्ड की, जिस पर मैंने दो हिस्से बनाए थे, एक मैन मेड वैल्यूज और एक एग्जिस्टेंशियल वैल्यूज। तो बात स्पष्ट होनी चाहिए। नानक जब बात कर रहे हैं वर्च्यू की, तो वो उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनको आप वर्च्यू बोलते हो, जो आपने बनाई हैं, या उनकी जो अस्तित्वगत हैं। तो बात स्पष्ट। उनका कोई विपरीत नहीं होता, उनका कोई विपरीत नहीं होता। अगर वर्च्यूज एंड वाइसेस बोलोगे तो मैनमेड हो गया। वर्च्यूज एंड वाइसेस मतलब द्वैत, तब तो फिर आपने बनाया है। सर अगर एकदम ही बेसिक में जाए कि ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक्शंस का तो फिर कोई डिमार्केशन ही नहीं हुआ, फिर देयर इज नथिंग एज सच। किसके लिए एक्शन का डिमार्केशन? किसके लिए? आप जब कुछ हैं तब होगा, आपको कुछ होना पड़ेगा ना, तभी तो आप फैसला करोगे कि ये करूं कि ना करूं। आपको पहले कुछ होना पड़ेगा ये सीमा खींचने के लिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, अन्यथा तो जो होना है वो अपने आप होगा। अन्यथा तो जो होना है वो अपने आप होना है। जैसे यहाँ बैठे हैं तो किसी के बनने फड़फड़ाने, किसी का देखना, ये सब कुछ एक डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन भी तो तभी हो रहा है ना जब हम ये सोच रहे हैं कि कैसे, मतलब कर्तव्य भाव ही आ रहा है बीच में। ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो फिर अपने लेवल पे कई बार कुछ कभी ऐसा सिचुएशन आता भी है कि इंसान सोचता कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब आप ये बात सोचने की नहीं है कि मैं नहीं कर रहा, विचार की सारी प्रक्रिया ही करने की है। विचार न करना कभी नहीं जानता, इस भ्रम में मत पड़ जाना।
तुम उससे कहलवा रही हो कि मैं नहीं कर रहा, जो करने के अलावा और कुछ जानता नहीं। वो अगर अपने मुंह से बोल भी देगा मैं कुछ नहीं कर रहा, तो भी वो क्या कर रहा है? तो ये बात सोचने की थोड़े ही है कि तुम सोचो कि मोक्ष मिल गया, कि तुम सोचो कि मैं सो रही हूं। कभी किसी सोते आदमी ने सोचा है कि मैं सो रहा हूं? जो वास्तव में सो गया वो कभी सोच पाएगा कि मैं सो रहा हूं? जो वास्तव में मुक्त हो गया वो मुक्ति की सोचता नहीं है। सर, आपने एक बार मतलब बात हुई थी, एक बात ये निकली थी कि हैबिट्स को तोड़ने के लिए, वृत्तियों को तोड़ने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो एफर्ट मतलब करता हुआ आप साफ साफ लिखा है कि फल जो मिलेगा वो करता होगा नेगेटिव ही मिलेगा, फिर तो आप तो हैबिट को तोड़ने के चक्कर में आप अपने लिए और वजन ही बढ़ा रहे हो। हैबिट को तोड़ने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ता है वो एक बहुत खास किस्म का एफर्ट होता है, बहुत ही खास किस्म का, और वो बहुत सूक्ष्म निर्देश के अंतर्गत ही लगाया जाना चाहिए। देखो ऐसे समझो, एक चिड़िया इस कमरे में फंस गई है, ठीक है? एक चिड़िया इस कमरे में फंस गई है और इस कमरे में गैस भी है जहरीली, जो उसको धीरे धीरे करके मार रही है, जल्दी ही वो मर जाएगी। एक छोटा सा छेद है यहाँ पर जिससे वो बाहर निकल सकती है, बस छोटा सा छेद है, और कमरा बड़ा है और हर दीवार पूरी है, न खिड़की है न झरोखा। चिड़िया अंदर जितना फड़फड़ाएगी, जितना फड़फड़ाएगी, जितना भागेगी, उतना वो मौत के करीब आएगी, क्योंकि जितना फड़फड़ाएगी उतनी सांस लेगी और कमरे में क्या है? गैस, जहरीली गैस है। जितना फड़फड़ाएगी बाहर निकलने के लिए उतना वो अपनी मौत के करीब आ रही है। लेकिन एक छोटा सा द्वार है इस कमरे में जिससे वो बच सकती है, चिड़िया खुद उसको देख पाए, उसके लिए बड़ा सौभाग्य चाहिए या फिर बड़ा विवेक चाहिए। वो भी सौभाग्य से ही मिलेगा, वो भी सौभाग्य से ही मिलेगा, या कोई ऐसा उसका शुभाकांक्षी चाहिए जो आए और उसको धीरे से ले जा करके उस छेद के पास रख दे कि तुझे पंखी फड़फड़ाने हैं तो यहां फड़फड़ा, बाहर निकल जाएगी। इसको मैं कह रहा था कि आदत तोड़ने के लिए एफर्ट की जरूरत है। तुम उल्टा पुल्टा एफर्ट करोगे तो जैसे चिड़िया एफर्ट कर रही है ना बाहर निकलने के लिए, क्या कर रही है? वो अपनी मौत के करीब आ रही है, इतना ही कर रही है। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, खासतौर पे इनर डिसिप्लिन, वो बड़ी फाइनली डायरेक्टेड बात होती है, बड़ी सूक्ष्म। वरना एफर्ट तो हर कोई कर रहा है, पूरी दुनिया कैसे लोगों से भरी हुई है जो बड़े मेहनती हैं, उनको अपनी मेहनत से सिर्फ कष्ट मिल रहा है। मेहनत से मोक्ष मिल सके इसके लिए बहुत जरूरी है कि या तो तुम पे कृपा ही हो, सौभाग्य हो कि चिड़िया उड़ी और उसका ऐसा सौभाग्य था कि वो सीधे उसी जगह पे आई दीवार के पास जहां छेद था और उड़ गई। बड़ी किस्मत होनी चाहिए, या तो इतनी किस्मत हो चिड़िया की, या फिर कोई ऐसा हो जिसे चिड़िया से प्रेम हो और वो उसको ले आए उस छेद की तरफ धीरे धीरे, इधर को आ, इधर को आ, इधर को आ, एक कदम और बढ़ा, चलती रह, चलती रह, चल अब यहां से निकल जा, बाहर जा, उड़ जा। आ रही बात समझ में? एफर्ट तो वो भी कर रहा है, तुम यहां से जाओ शाम को और तुम्हारे घर के बगल में दूसरा आदमी है और वो लगा हुआ है पूरी तरह एफर्ट करने में, वो क्या एफर्ट कर रहा है कि आज शाम को संडे है, आज शाम को दारू पार्टी का आयोजन कटवाओ भाई,
आज 12 मुर्गे कटेंगे, 2 बकरे कटेंगे, आज मेरे 20-25 यार आ रहे हैं, और बड़ा एफर्ट कर रहा है, सफाई फाई करवा रहा है, ये वो, मनपसंद शराब मिल नहीं रही है तो यहां भेजा है लोगों को, वहां भेजा है, बहुत एफर्ट कर रहा है। और उसे घर के बगल में शुभांकर है, शुभांकर भी एफर्ट कर रहा है। क्या एफर्ट कर रहा है? आज आखिरी दिन है, आज ट्रैकर भरना है, रीडिंग करनी है, अगले हफ्ते की एक्टिविटी अभी तक तैयार नहीं करी, उसको पढ़ूं। एफर्ट दोनों ही कर रहे हैं ना, चिड़िया दोनों फड़फड़ा रही हैं, मुक्ति दोनों को चाहिए, पर एक मरेगी अपने एफर्ट करने से, मरेगी अपना एफर्ट करने से ही मरेगी। वो अपनी वो उस शाम को मौत के और करीब आ जाएगा, उस पार्टी के बाद वो व्यक्ति मृत्यु के और करीब है, और कष्ट भोग रहा है, और ये दूसरा व्यक्ति अपने एफर्ट के कारण अब उस द्वार तक पहुंच रहा है जहां मुक्ति है। पर वो द्वार याद रखना, कमरा बहुत बड़ा है, द्वार बहुत छोटा है। उस द्वार तक पहुंचने के लिए या तो तुम बड़ी किस्मत लेके पैदा हुए हो, या फिर तुम्हें बड़े उचित निर्देश मिले हों, तभी हो सकता है। लेकिन ये एफर्ट है क्यों? अगर उसकी मृत्यु भी उस एफर्ट को करके होनी है, या फिर अगर कोई आके उसको उस द्वार तक पहुंचा भी दे, तो ये भी तो मतलब बस होना है तो हो रहा है। मतलब इसको हम एफर्ट एफर्ट कैसे बोल सकते हैं? इट्स लाइक मत बोलिए, है तो है, एफर्ट तो है ही है। एफर्ट है कि नहीं है? ट्रैकर भरते हो तो एफर्ट है कि नहीं है? और जो एक पार्टी की तैयारी कर रहा है वो भी एफर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? है, इसमें बोलने की क्या बात है? ये एफर्ट मतलब तो कर्म हो गया ना कि संसार हाँ। में कर्म तो चल ही रहे हैं। हाँ, हाँ? जो चिड़िया है हाँ। उनके अंदर अगर वो फड़फड़ा रही है और अगर वो और ज्यादा अपने मौत के करीब आ रही है, तो वो एफर्ट मतलब हाउ कैन दिस बी एन एफर्ट टुवर्ड्स डेथ? इट कुड बी लाइक शी इज डूइंग इट बिकॉज़ दैट इज द मोमेंट, दिस इज ऑल दैट शी कैन थिंक ऑफ। राइट, बट इफ यू आर दैट बर्ड, व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ? Don't philosophize it. You are that bird. Now what do you want? Don't get into scholarly arguments. We are not talking about some bird. You are that bird. अब बताइए क्या करना है? ज्ञान बघारना है कि जब मरना ही है तो गैस सूंघ सूंघ के मर ही जाते हैं? ज्ञान बघारना है या मुक्ति चाहिए? बोलिए। हाँ, यू आर दैट बर्ड। गुड एक्शन बैड एक्शन आ गया। एक गुड एक्शन जो आपने पाप पुण्य कहा था, तो दोनों में एक्शन हो रहा है, दारू लाने में भी और इसमें भी, दोनों में एफर्ट हो रहा है। और जो दूसरा एफर्ट है वो कुछ और कर रहा है, रिलीज कर रहा है, पहले एफर्ट और धकेल रहा है। गुड एक्शन बैड एक्शन नहीं हुआ, फिर वही हुआ, कर्ता भाव और अकर्ता भाव। समझो बात को, ये जो चिड़िया है ये छोटी सी नहीं है, ये बड़ी है, समझ लो अनुराधा बराबर ही है, और तुम हो अभिषेक बराबर। अब तुम जा रहे हो और जो कमरा है वो संसार बराबर है, चिड़िया है अनुराधा बराबर, जो निर्देश देने जा रहा है कि इस छेद से निकल सकती है वो है अभिषेक बराबर, और कमरा है संसार बराबर। अब अगर ये तुम्हारी पकड़ में ही ना आए, कर्ता भाव बहुत है, मैं तो तभी निकलूंगी जब मेरी मर्जी होगी, तू होता कौन है मुझे गाइड करने वाला? काहे का गुरु, काहे का शुभचिंतक, मैं खुद कर लूंगी, मैं तो खुद ही कर लूंगी, आई हैव माई ओन इंटेलिजेंस, माई इंडिविजुअलिटी। तो क्या तुम कभी निकाल सकते हो, यहां तक ला सकते हो? चिड़िया को वहां तक लाने के लिए क्या जरूरी है, उसमें क्या हो? सहमति या सिर्फ अकर्ता भाव कि छोड़ दिया, अब जो करना है कर लो। तो गुड एक्शन क्या हुआ? अकर्ता भाव।
अकर्ता भाव, अपनी मर्जी से तो वो आएगी नहीं यहां तक। याद रखना, कमरे में संसार में जहर भरा हुआ है और वो तड़प रही है, मतलब दिमाग भ्रष्ट है, वो किसी भी तरीके से पंख फड़फड़ा के इधर उधर करेगी, और संसार में आज तक जो भी उसके पास आया है उसको दुखी करने ही आया है, उसको नुकसान पहुंचाने ही आया है। तो तुम भी जब उसके पास जाओगे, गुरु भी जब उसके पास जाएगा, तो उसको लगेगा यही कि ये भी मुझसे कुछ चाहता है, कुछ नुकसान पहुंचाने ही आया है। तो जिसको तुम कह रहे हो अच्छा कर्म, वो अच्छा कर्म नहीं है, वो है अपने आप को छोड़ देना कि अब तो जो कर्म तू करवाता हो वही ठीक, मैंने छोड़ा, वो भी अकर्ता भाव है। ये गरम करानी पड़ेंगी, बेकार हो गई है, बोल दो गरम करके ले आते। सर, तो अगर गौतम बुद्ध कहते हैं कि बी योर ओन लाइट, तो इसका मतलब ये है कि वो जहाँ से बोल रहे हैं वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको किस्मत अच्छी नहीं थी? जब गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि अपदीपो भव बी योर ओन लाइट, तो उनका जो ओन है, यू बी योर ओन लाइट, ओन जिसको वो ओन बोल रहे हैं, वो ओन पूर्ण हो चुका है। वो एक बुद्ध की आवाज है, तुम्हारी आवाज नहीं है, उसको तुम अपने परिप्रेक्ष्य में मत पढ़ लेना। होता क्या है कि एक बुद्ध कह रहा है तुम अपनी रोशनी स्वयं हो, अब वहां पर स्वयं से उसका जो आशय है वो तुम जान ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध का मैं अब अस्तित्वगत मैं हो चुका है। तुम्हारे पास वो अस्तित्वगत मैं है ही नहीं, तो तुम कैसे अपनी रोशनी हो जाओगे? नहीं समझ रहे हो बात को? जब तुमसे कहा जाता है बी योर ओन लाइट, तो तुम्हारी अपनी लाइट क्या है? अहंकार और तुम्हारे अपने अनुभव, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि, यही तो है तुम्हारी ओन लाइट। अब कहा बुद्ध ने जिनकी ओन लाइट पूर्ण का प्रकाश है, पूरा आकाश है, ठीक? और सुना किसने? सुना अनुराधा ने, जिनकी ओन लाइट क्या है? एक 0 वाट का बल्ब। पर अनुराधा ने कहा नहीं, ठीक, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अपनी अपने हिसाब से चलो। अरे अपने का अर्थ समझो ना, जब कृष्णमूर्ति कहते हैं योर इंटेलिजेंस, तो उनकी योर इंटेलिजेंस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, और जब तुम बोलते हो माई इंटेलिजेंस, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस सिर्फ तुम्हारा ओपिनियन है, होशियारी, तुम्हारी होशियारी है, तुम्हारी व्यक्तिगत चालाकी है। बुद्ध जब कुछ कह रहे हैं तो वहां पर व्यक्तिगत बात कुछ नहीं है, जो है अस्तित्वगत है, पूर्ण है। अस्तित्वगत बात को व्यक्तिगत रूप से अनुवाद किया जा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए अहंकारी मन को कृष्णमूर्ति बहुत भाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो करता भाव और सघन कर देंगे, बिल्कुल सघन कर देंगे कि खुद करके दिखाओ। तुम कहोगे यही तो मैं हमेशा से कह रहा था कि हम तो खुद करके दिखा ही सकते हैं। मतलब तो सिर्फ बहुत डेंजरस बात हो गई, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखे हैं फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम या फियर ऑफ द अनोन, जो भी बुक लिखे वो तो मतलब इट्स पब्लिकली अवेलेबल एंड देन द इंटरप्रिटेशन कैन बी सो फार। बिल्कुल, इसीलिए बुद्ध हो जाना एक बात है और गुरु हो जाना दूसरी बात है। गुरु का दर्जा बुद्ध से भी ऊपर का है। बुद्ध का मोक्ष तो सिर्फ बुद्ध का है, गुरु वो है जो बात दूसरों तक भी पहुंचा दे। बुद्ध ने तो पा तो लिया, पर क्या बांट पाने की क्षमता है? तुमने तो पा लिया, पर तुम्हारे शब्दों से दूसरों को मदद मिल रही है क्या? इसीलिए बौद्ध धर्म में भी कुछ शाखाओं में बोधिसत्व को ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिया गया है। बोधिसत्व वो जो कहे कि मैंने पा लिया है पर पूरा मैं कभी पाऊंगा नहीं, मैं मना कर रहा हूं कि पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मुझे पूरा मिल गया
उस दिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो वो ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है जहां पे वो जब चाहे तो नदी के उस पार चला जाए, पर वो कहता है मैं जाऊंगा नहीं। उधर चला गया तो इधर मदद कौन करेगा? दूसरी शाखाएं हैं जो कहती हैं ना बोधिसत्व होना कहीं से ठीक नहीं, क्योंकि संसार है ही नकली, तुम किसकी मदद कर रहे हो? तुम जिनकी मदद कर रहे हो तुम्हें प्रतीति इसीलिए होते हैं क्योंकि तुम उस पार नहीं जा रहे। जब उस पार जाओगे तुम्हें दिखाई देगा कि मैं जिनकी मदद करना चाहता था वो तो सब कुछ थे ही नहीं, तो भी आपके ऊपर है। हमें बहुत समय लगता है अपने स्टूडेंट्स को ये समझाने में कि माय इंडिविजुअलिटी नहीं होती। अब दिक्कत ये आती है जब उनके सामने इस तरह के वक्तव्य पढ़ते हैं बी योर ओन लाइट, तो अब ओन लाइट और माय इंडिविजुअलिटी फंस जाती है ना बात। बुद्ध कभी मिले तो पूछेंगे उनको बिठा के, सोचा नहीं था कभी कि तुम्हारी वजह से HIDP में कितनी दिक्कत आएगी, क्या बोल गए? इसमें अभी जो वीडियो चल रहा था चांद की रोशनी बात रही थी, तो दूसरे तरीके से लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो कह भी रहा है कि बी योर ओन लाइट, तो एक चांद जब अपनी ओन लाइट के नजदीक जाएगा तो क्लियरली दिखेगा ना कि अपनी लाइट तो है नहीं, फिर वो सूरज की लाइट तक पहुंचेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सुन रहा है वो क्या सोच रहा है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि ओन लाइट का मतलब पूर्ण का प्रकाश, मेरा अपना नहीं है, पर ओन से उसका अर्थ ये है ही नहीं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानूं, कि मैं वास्तव में क्या हूं जरा उसका अन्वेषण करूं। हाँ, या तो उस ओन को इटैलिक्स में लिखा गया होता तब भी ठीक था, या उस ओन के साथ एक स्टार वगैरह एस्ट्रिक्स लगा दिया होता, कंडीशन अप्लाई तो भी ठीक था। अब सीधे ही बोल दिया ओन, अब ओन माने मेरा, और मेरा माने क्या? मेरा माने मेरी खिचड़ी। एक बार इसके बारे में पहले भी सेशन में बात कर चुके हैं, वो बुद्ध ने सार्वजनिक नहीं कहा। बहुत बढ़िया, बात भी बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, ये बात ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है ना, आपसे कहा ना मुझसे कहा, वो एक ऐसे व्यक्ति से कहा जो बिल्कुल पहुंच ही गया था पर अटक रहा था, हिचक रहा था, बुद्ध का शरीर ही उसकी बाधा था। तो उससे कहा कि अब तुझे मेरी जरूरत नहीं, मैं तो यूं ही जा ही रहा हूं, तू ऐसी जगह खड़ा हो गया है जहां अब तू तो उससे कहा था, कहा जा रहा है आनंद से जो बुद्ध के साल दशकों तक रहा। और पढ़ कौन रहा है? अब दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तभी तो दिक्कत है ना। अब ये बोल सकते कि ठीक है आपने ग्रेस ही किया, उस तक पहुंचोगी और पढ़ोगी, पर फिर आगे फिर वो तो फिर एक लीला चल रही है कि हर एक इंसान अपनी एक लीला चला रहा है अपने दिमाग में वो सब पढ़ तो तभी ओशो ने एक जगह कहा है कि जानना अलग बात है, एक आयाम है, और जनाना एक अलग आयाम है। देखिए जना भी देंगे, आप उनके सामने बैठे होते तो वो कुछ भी कह रहे होते ना, आपको उनकी आंखों से पता चल जाता कि वो क्या कह रहे हैं। अब आपके सामने तो कागज और स्याही है, उनकी उपस्थिति तो नहीं है ना, असली बातचीत तो मौजूदगी से होती है, मौजूदगी उनकी है नहीं। मौजूदगी उनकी होती तो आप सब समझ जाती कि वो क्या कह रहे हैं। कागज स्याही तो जिसके हाथ में लगेगा वो उसका अपने अनुकूल अर्थ करेगा। और ये भी बहुत देखने लायक चीज है कि क्यों कुछ ही वक्तव्य बहुत पॉपुलर हो गए, टू बी ऑन और किसी को कुछ बुद्धिज्म के बारे में पता नहीं हो पर ये सबको पता हो, इसमें सीधे ईगो हिट हो रहा है। जैसे इट्स लाइक वन एंड द सेम थिंग एज सेइंग आई एम व्हाट आई एम। तो इसीलिए सबसे मूल प्रश्न यही होता है कि मैं कौन। जब तक हुए माई का उत्तर नहीं मिला है तब तक कुछ भी पढ़ना खतरनाक है। तो
बी योर ओन लाइट में, ये ओन माने क्या, ये मैं है कौन, विच मी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस मैं की बात हो रही है, ये समझना कि दो मैं होते हैं हमेशा, एक असली और एक नकली, ट्रू सेंटर फॉल्स सेंटर। जब तक ये बात नहीं पहुंची है तब तक मैं की भाषा में बात करना हमेशा मिसलीडिंग होगा, कहा कुछ जाएगा समझोगे कुछ और कुछ और नहीं विपरीत समझोगे। अभी जब स्टूडेंट्स खूब बहस कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द को हथियार खूब बनाया था, जानते हो किसको, इंडिविजुअलिटी। डू यू ऑल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अवर इंडिविजुअलिटी, डज HIDP डज नॉट वैल्यू माय ओपिनियन। अब ये मैं कौन सा मैं है, कौन सी इंडिविजुअलिटी कही जा रही है और तुम कौन सी समझ रहे हो। तुमने इंडिविजुअलिटी का अर्थ ही कोई व्यक्तिगत चीज से लगा लिया, पर्सनल पर्सनल। पर्सनल थोड़ी होती है, इंडिविजुअलिटीज थोड़ी होती हैं, माय इंडिविजुअलिटी थोड़ी होती है, मेरी आत्मा थोड़ी होती है, लेकिन वो भी चलता है, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा थोड़ी है, आत्मा एक है, संसार में अनेकों आत्माएं। आत्माएं माने क्या होता है भाई, मन होता है अलग अलग, मन के होते हैं हजार रंग, आत्मा तो एक है। पर तुम्हें इस तरह की बातें बहुत पढ़ने को मिलेंगी कि समस्त आत्माएं परमात्मा में समा गईं। ये क्या क्या तुम बात कर रहे हो, क्यों बहका रहे हो, समस्त आत्माओं से क्या मतलब है भाई, आत्मा में भी कुछ ठप्पा लगा होता है क्या, कुंदन की आत्मा, शुभांकर की आत्मा। एक लाइन जो अभी आपने बोली थी कि कर्म जब पूरा होता है तो कर्ता नहीं रहता, जब तक कर्ता है तब तक कर्म पूरा होगा। अब इधर से शुरू करो चाहे उधर से करो, कहीं से तो करना पड़ेगा। जैसे ये वाली लाइन जो है ना, वो थोड़ी सी ईगो को बड़ी बूस्ट करती है, फिर मैं जो काम करूंगा ना उसमें जम के करूंगा ताकि वो काम पूरा कर, नहीं काम पूरा नहीं, पूरा करने का अर्थ मुझे बताया, काम कभी पूरा नहीं होगा। काम पूरा करने से आशा ये है कि उसका विचार ना बचे। काम पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि अगर घर बना रहे हो तो पूरा बना लो ताकि कल सोचना ना पड़े, बाप रे ये नहीं कहा, ये नहीं कहा है, क्योंकि घर कभी पूरा बनेगा नहीं। किसी का घर आज तक पूरा बनते देखा है कि अब इसके बाद इस घर में कुछ और करना ही नहीं है, नहीं। कभी आज तक किसी का घर पूरा बनते देखा है, कर्म कभी पूरा नहीं होगा। बोला था मैंने, शक्का था ये चीज जाएगी, मेरे तो पूरा पूरा वो आया था सक्सेस, दिस इज व्हाट सक्सेस इज, द थॉट दैट लाइक इट्स नो लॉन्गर बॉदरिंग यू एट ऑल। हाँ, कर्म पूरा करने का मतलब ये है कि अब उसका विचार ना बचे, क्लोजर का, कंप्लीशन का ये मतलब होता है, अब उसका विचार नहीं बचा, उससे मुक्त हो गए, उससे उऋण हो गए। वो बिना ईंट रखे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक, वो बिना ईंट रखे भी हो सकता है, वो सिर्फ एक दीवार खड़ी करके भी हो सकता है, हो गया ठीक, नहीं सोचना अब भाई, जब बात समझ में आ गई तभी बात खत्म, कि एक दीवार बनाई और इस एक दीवार को बनाने में ही समझ में आ गया कि नॉट वर्थ इट, नहीं करना आगे, तो बात खत्म, खत्म, नहीं करना। सर ये भी अहंकार का गलत चीज है, लेजीनेस कुछ करने, यार अब हर चीज में तो तुम वो निकाल लो तो उसमें क्या करा जा सकता है।
भगने के लिए दो स्टेप लिए नहीं करना और क्या ऐसे इवन इफ यू आर नॉट बाइंग इट फॉर 3 BHK उस 2 BHK को लोगे उसकी फर्निशिंग कराओगे फिर उसकी पेंटिंग कराओगे फिर उसमें फर्नीचर रखोगे फिर उसमें प्लम्बर को लगाओगे और ये काम जिंदगी भर चलता है। कभी किसी का घर पूरा बना है 20 साल तक बनता है कि नहीं बनता है तो वो तो कभी पूरा होगा नहीं। काम कौन सा पूरा हुआ है सर? जैसे आपने अभी बात करी थी कि थॉट ऐसी चीज़ है कि उसका काम ही चलना, तो अगर काम कर लिया है उसका थॉट आ रहा है लेकिन अगर आप थॉट से मुक्त हो तो वो भी पूरा हो गया ना। वो पूरा होने का इसके अलावा और कोई प्रयोग है ही नहीं। पूरा हुआ है कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि सामने कुछ चीज पूरी पूरी दिखाई दे रही है कि नहीं। पूरा होने का मतलब ये है कि खोपड़ी खाली हो गई कि नहीं हो गई। जब खोपड़ी खाली तो काम पूरा। बाहर फिर काम चल ही रहा है लेकिन नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया, आप समझे इस बात को, बहुत बढ़िया।